हाय अल्लाह, काश हम वो पत्थर होते जो नबी के कदमों को चूमा करते थे। काश हम कपड़े की वो टाकियां होती जो खदीजातुल कुबरा नबी के जख्मों में रखा करती थी। काश हम भी उस वक्त होते और अपने आका के चेहरे को देखकर अपनी आंखों पर जहन्नम को हराम कर लेते। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनको सरवरे गिरामी के रुखे जेबा के देखने का शर्फ हासिल हो। उनकी किस्मत का क्या कहना है। और वो तो इंसान थे, अल्लाह ने तो उन बस्तियों को मुकद्दस बना दिया है जिन बस्तियों ने मेरे आका के चेहरे को देखा है। वो बस्तियां मुकद्दस हो गई। बत्ती वैतून वतूर सीनी वहादल बलद अमीन। उन लोगों का क्या कहना है। लोग कहते मोहम्मद अकेले हो, छोड़ो सारी दुनिया दुश्मन है, तुम्हें क्या फायदा। नबी अपने घर में तशरीफ लाते, खदीजतुल कुबरा कदमों में बैठ जाती, अपने आका के चेहरे से गर्दो गुबार साफ करती, उनके कुर्ते को उठाती, जख्मों में अपना दुपट्टा पहाड़ के रखती, कदमहाय मुबारका को पानी से धोती और कहती कल्ला वल्लाह ला युख्ज़ी कल्ला हुआ बता। मेरे आका, मेरा रब तेरे साथ है और जिसके साथ रब होता है दुनिया की कोई ताकत उसको पिसपा नहीं कर सकती। मोहम्मद फिर उठते फस्ता बिमा तोमर वारिज़न मुशरिकीन। मक्का के बाजारों में जाकर तौहीद का फिर परचम बुलंद करते, फिर मार पड़ती, फिर घर आते। और मुअर्रिखीन ने लिखा है एक दफा नबी कायनात को इतना मारा कि हुजूर बेहोश होकर मक्का के एक चौराहे में गिर पड़े थे। नन्ही सी नबी की बेटी फातिमा उसको खेलती हुई को किसी ने कहा तेरे बाबा को आज दुश्मनों ने इतना मारा है कि वो बेहोश पड़ा हुआ। फातिमा दौड़ी हुई रोती हुई आई, अपने बाबा के जिस्म अधर को देखा। नन्ही सी फातिमा 3-4 बरस की उम्र है, निगाहें आसमान की तरफ उठी। अल्लाह लोगों ने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में कभी किसी को गाली भी नहीं दी है। अल्लाह मेरे बाबा ने गाली तो बड़ी बात है, मैंने तो उस दिन भी अपने बाबा को देखा था जब उसके गुलूए अखर में नमाज की हालत में लोगों ने कपड़ा डाला हुआ था, उसके गले को घूट रहे थे, उसकी आंखें बाहर उबल पड़ी थी। लेकिन अल्लाह वो उस वक्त भी ना तेरी बारगाह से हटा ना उनके बारे में कोई लफ्ज बुरा कहा। और जब नमाज से फारिग हुआ गुलूए अथर पर कपड़े के निशानात थे और जिब्रील ने आके कहा मोहम्मद तेरा गला छिल गया है। फरमाया जिब्रील मेरा तो सिर्फ गला छिला है, रब की तौहीद के लिए पहले नबियों के तो गले कट भी गए थे। अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह जो जी चाहे कर ले, मैं तेरी राह से हटने वाला नहीं, ये अपनी करके देख ले। और अहले हदीसों आज छोटी छोटी बातों पे दिल शिकस्ता हो जाते हो, आज मामूली मामूली तानों पे घबरा जाते हो, आज छोटी सी बात पे दिल छोटा
मदीने वाले ताजदार को देख लिया करो। तुम उससे बड़े तो नहीं हो, तुम रब की नजर में उससे अजीज तर तो नहीं हो। और वो तो वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रकाब थामता था। वो तो वो था कि जब निगाह आसमान की तरफ डालता था तो किबला तब्दील हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसके दिल के हूक उठती थी तो कायनात बदल जाती थी। जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हरूफ बना दिया था। वो तो वो था कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी रब ने उस मस्जिद में नमाज को लाख नमाज बना दिया था। और वो तो वो था कि जिस कब्रिस्तान में उसने दुआ मांगी थी रब ने उसे जन्नत करार दे दिया था। और वो तो वो था कि जिस जगह वो खुद लेटा था वो रोजा तो मिर रियाजिल जन्ना बन गया था। वो तो वो था कि जब आंख उठाता था जिब्रील आ जाता था, जब निगाह बदलता था मीकाईल आ जाता था, जब पेशानी पे बल पड़ते थे फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसकी पेशानी पे शिकन पड़ जाती थी कायनात की चश्मे कायनात की शिकन चश्मादूद हो जाती थी। वो तो वो था जिसके अपना इशारा अबरू पे लोग कट जाना अपने लिए बाय से साबित हो। वो तो वो था कि लोग उसके मधु के कतरों को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और वो तो वो था कि जिसकी निगाह उस पर पड़ जाती थी जहन्नम उस पर हराम हो जाती थी। वो तो वो था। तुम उससे भी बढ़ गए हो, तुम उससे भी नाजुक हो गए हो, तुम उससे भी ज्यादा अपने आप को कीमती समझने लग गए हो, तुम अपने आप को उससे भी गिरातर बना लिया है तुमने। अगर उसने मारे खाई थी तो तुम्हारा जिस्म जो है वो कुंदन का तो नहीं बना हुआ। अगर उसने गालियां खाई थी तो उसने गालियां खाई थी, तुम्हें क्या मालूम है कि राह हक के राहियों को हक के लिए किन सऊतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने हाय हाय अनस तेरी याद किस वक्त आई है, एक मां और क्या मां थी, उसने मन्नत मानी अल्लाह मुझे बेटा अदा कर दे तो मैं तेरे मोहम्मद का हादिम बना दूं।